वेलकम टू सिटी कॉमर्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी टैक्स लायबिलिटी को हम कैसे ऑफसेट करेंगे और साथ में जीएसटी आर 3B रिटर्न हमारी कैसे फाइल होगी। और उसके लिए सबसे पहले हम अपनी जीएसटी की वेबसाइट ओपन करेंगे, उसमें लॉगिन करेंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद उसमें आगे हमारा ये फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट होगा और उसके बाद वो मंथ जिसकी हमने रिटर्न फाइल करनी है। और अब हम अपनी जीएसटी आर 3B रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ पे जस्ट प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम देख सकते हैं जीएसटी आर 3B से रिलेटेड जितने भी टेबल्स हैं हमारी स्क्रीन पे, ये सारे के सारे अवेलेबल हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे इनवाइसेज या जितनी भी हमारी डिटेल है, वो ऑलरेडी हम इसमें सेव कर चुके हैं। और ये सारे के सारे टेबल्स हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ सारे के सारे टेबल्स में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हम किसी दूसरे टेबल पर क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। जैसे ये हमारी इंटरस्टेट सप्लाई से रिलेटेड है, तो यहाँ आप देख सकते हो सारी हमारी स्टेट वाइज इन्फॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी सेव है। देखिए इन टेबल्स में हम इन्फॉर्मेशन कैसे अपलोड करते हैं, अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने इसे डिटेल में आपको सिखाया है। और अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारी जीएसटी लायबिलिटी कैसे ऑफसेट होगी और साथ में हमारी जीएसटी आर 3B रिटर्न कैसे फाइल होगी। तो चलिए जीएसटी लायबिलिटी को ऑफसेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो लीजिबल आईटीसी है वो कितना अवेलेबल है। देखिए यहाँ इस टेबल में आप देख सकते हो हमारे पास आईजीएसटी अवेलेबल है 2700 और इसमें सीजीएसटी 3150 अवेलेबल और साथ में इतना ही यूटीजीएसटी भी हमारे पास अवेलेबल है। और इस रिटर्न को सबमिट करने से पहले अगर हम किसी भी टेबल में कोई चेंजेस करना चाहें, कोई भी इन्फॉर्मेशन अल्टर करना चाहें, तो हम अल्टर करके उसे अगेन यहाँ पे सेव कर देंगे एंड सेव करने के बाद भी हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को कभी भी अल्टर कर सकते हैं रिटर्न फाइल करने से पहले। चलिए अब हम अपनी रिटर्न फाइल करने का जो प्रोसीजर है उसे शुरू करते हैं। और अब इस रिटर्न को फाइल करने के लिए हम जस्ट यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमें एक वार्निंग दिखाई देगी, क्योंकि जैसे ही हमारा ये सबमिट करने का प्रोसेस कंप्लीट होगा हमारी रिटर्न फ्रीज हो जाएगी और उसके बाद हम कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम इसे प्रोसीड करते हैं और उसके बाद आप देख सकते हो हमारी जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली पोस्ट हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा पेमेंट ऑफ टैक्स रिलेटेड। यहाँ जो हमारी पेमेंट है उसे हम सेट ऑफ करेंगे एंड उसके लिए जो हमारे पास सीरियल नंबर 6 में पेमेंट ऑफ टैक्स है इस पे हमने जस्ट क्लिक करना है एंड उसके बाद हम देख सकते हो हमारी जो पेमेंट सेट ऑफ करने से रिलेटेड स्क्रीन दिखाई देगी। और यहाँ आप देख सकते हो जीएसटी टैक्स रिलेटेड जो हमारी लायबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो चुकी है। इंटीग्रेटेड टैक्स की जो हमारी लायबिलिटी है 35,954 रुपीज़ है, सेंट्रल टैक्स 801 है और साथ में यूटी टैक्स भी हमारा 801 रुपया यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम रहेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मैन्युअली करेंगे। और इसमें सबसे पहले हमारी जो जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी है उसको जो हमारे पास अवेलेबल आईटीसी है उसके साथ हम सेट ऑफ करेंगे। और यहाँ जब भी हम किसी भी कॉलम पे क्लिक करेंगे तो उस कॉलम में जो हमारा अवेलेबल आईटीसी है उसके फिगर्स भी हमें यहाँ दिखाई देंगे। तो चलिए अब हम एडजस्टमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं। वैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट के हमारे रूल कुछ इस तरह से हैं, सीजीएसटी हमेशा सबसे पहले सीजीएसटी की पेमेंट के साथ एडजस्ट होता है एंड सिमिलरली एसजीएसटी भी एसजीएसटी की पेमेंट के साथ एडजस्ट होता है, यूटीजीएसटी भी यूटीजीएसटी की पेमेंट के साथ एडजस्ट होता है, आईजीएसटी भी आईजीएसटी की पेमेंट के साथ एडजस्ट होता है। एंड अगर हमारे पास सीजीएसटी सीजीएसटी के साथ एडजस्ट होने के बाद सरप्लस बचे तो वो उसके बाद आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होता है। एंड सिमिलरली एसजीएसटी की पेमेंट के साथ एडजस्ट होने के बाद अगर सरप्लस बचे तो आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होता है एंड यूटीजीएसटी भी यूटीजीएसटी के साथ एडजस्ट होने के बाद अगर सरप्लस बचे तो आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होता है एंड उसके बाद आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होने के बाद अगर सरप्लस बचे तो वो सीजीएसटी के साथ एडजस्ट होता है। अगर उसके बाद भी हमारे पास कुछ सरप्लस बचे देन वो फिर एसजीएसटी के साथ एडजस्ट होता है। और यहाँ जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारा जो एसजीएसटी है वो एसजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा, यूटीजीएसटी के साथ और आईजीएसटी के साथ सबसे पहले एडजस्ट होगा। चलिए हम अपना सेंट्रल टैक्स एडजस्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं हमारा अवेलेबल जो बैलेंस है 3150 रुपीज़ है, लेकिन हम इसमें से क्योंकि हमारी टैक्स लायबिलिटी 801 है उसे सेट करेंगे एंड सिमिलरली वे में हम अगर यूटीजीएसटी की बात करें तो यहाँ पे भी जो हमारा अवेलेबल है 3150 है लेकिन हम 801 ही एडजस्ट करेंगे। एंड उसके बाद जब हम आईजीएसटी की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास अवेलेबल 2700 है, तो यहाँ हम पूरे के पूरा जो हमारा 2700 है क्योंकि एडजस्ट हो जाएगा उसे हम एंटर करेंगे। और उसके बाद अभी भी हमारा जो सीजीएसटी एडजस्ट होने के बाद बैलेंस है 2349 रुपीज़ है, ये हमारा आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा। यहाँ हम 2300 रुपीज़ डालते हैं एक मिनट के लिए आप देखिएगा। एंड सिमिलरली हमारा यूटीजीएसटी का भी जो बैलेंस है 2349 है लेकिन हम इसमें 23 एडजस्ट करते हैं। और उसके बाद जो हमारी रिमेनिंग लाइबिलिटी बचेगी आईजीएसटी की 28,654 रुपीज़, उसे हम यहाँ एंटर करेंगे जो कि हमारे कैश रजिस्टर के साथ एडजस्ट होगी। हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं, उसका बैलेंस भी आप यहां पे कॉलम वाइज देख सकते हो।
और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमारी CGST की टैक्स लाइबिलिटी CGST का ITC के साथ 100% एडजस्ट हो चुकी है, एंड सिमिलरली हमारी UTGST की लाइबिलिटी भी UTGST के ITC के साथ 100% एडजस्ट हो चुकी है, और अब हमारे कैश रजिस्टर के साथ जो अमाउंट है वो जीरो एडजस्ट होगा। एंड इन दिस वे आप देख सकते हो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद, हमने एक गलती करने के बाद हम जस्ट यहाँ पे ऑफसेट लाइबिलिटी पे क्लिक करते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हो ऑफसेट द CGST क्रेडिट कम्प्लीटली बिफोर क्रॉस यूटिलाइजेशन SGST क्रेडिट अगेंस्ट IGST टैक्स लाइबिलिटी। यानी यहाँ हमारे पास जितना हमारे पास है, सबसे पहले CGST का क्रेडिट अवेलेबल है वो हमें 100% यूटिलाइज करना पड़ेगा IGST के साथ, उसके बाद ही हम स्टेट टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने यहाँ पे फिगर करेक्ट करते हैं। हमारे पास जो टोटल अवेलेबल बैलेंस था हमारा CGST का, जो CGST एडजस्ट होने के बाद सरप्लस था 2349 था, तो हम यहाँ इस अमाउंट को करेक्ट करते हैं, एंड उसके बाद जितना हमारे पास स्टेट का सरप्लस है उसे भी हम करेक्टली लेते हैं। यहाँ हमारे पास SGST UTGST एडजस्ट होने के बाद जो सरप्लस 2349 है तो उसे हम एंटर करेंगे, एंड उसके बाद जो हमारी ये जो लाइबिलिटी है बेसिकली जो कैश रजिस्टर के साथ एडजस्ट होगी ये भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो हमारे ITC के फिगर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, एंड उसके बाद जो हमारी IGST की नेट लाइबिलिटी बचेगी 28,556 रुपीज़ बचेगी। उसके बाद हम ऑफसेट लाइबिलिटी पे क्लिक करेंगे। देखिए अब हमारे क्योंकि फिगर्स बिल्कुल करेक्ट थे तो हमारी जो ऑफसेट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है, और अब GST टैक्स लाइबिलिटी को सक्सेसफुली ऑफसेट करने के बाद जो हमारा फाइनल स्टेप रहेगा, हम अपनी जो GSTR 3B रिटर्न है इसे फाइल करेंगे। और यहाँ GSTR 3B रिटर्न फाइलिंग की ऑथेंटिकेशन के लिए भी हमारे पास दो मेथड अवेलेबल हैं, डिजिटल सिग्नेचर के जरिए भी हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और वन टाइम पासवर्ड क्रिएट करके अपने मोबाइल के जरिए भी फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद इस रिटर्न को फाइल करने के लिए जस्ट हम इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, एंड देन हमारा जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। चलिए ये रिटर्न हम OTP के जरिए फाइल करते हैं, और उसके लिए जस्ट हमें यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो हमारा मोबाइल नंबर GST नेटवर्क के पास रजिस्टर्ड है उसके ऊपर हमारा वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा, एंड उस वन टाइम पासवर्ड में जो कंटेंट्स होंगे वो जस्ट हमने यहाँ पे टाइप करने हैं, एंड उसके बाद हम इस विंडो को जैसे ही वेरीफाई करते हैं हमारी जो GSTR 3B रिटर्न है वो सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। यहाँ आप मैसेज देख सकते हो हमारा जो एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर है वो भी जनरेट हो चुका है, और इसके साथ साथ जो हमारा एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर है इसकी डिटेल हमें SMS के जरिए हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे भी आ जाएगी, और साथ में हमारा जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उस पे भी हमें मेल आ जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये स्टेप्स रहेंगे हमारे GSTR 3B रिटर्न को अपलोड करने के लिए। फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अकाउंट्स एंड टैक्सेशन की कंप्लीट क्लासेस के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो जिसका URL है onlinecca.com। इस क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।